चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। तो अभी तक के लेक्चर्स में आपने क्या क्या सीखा? सम और डिफरेंस के फॉर्मूले सीखे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सीखे। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मल्टीपल सम मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले। ये सबसे काम के और डिफरेंट तरीके से यूज होते रहते हैं। इंटीग्रेशन, बाकी जगह भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए असाइनमेंट्स के, वो भी आप साथ साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कहने से मतलब डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, इन पर अपन कैसे काम करते हैं। तो फॉर्मूले डिराइव करते हैं, तो साथ साथ उसके एप्लीकेशन भी डिस्कस करता जाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस तो करेंगे ही साथ में। तो चलिए देखिए, सबसे पहला अपना साइन टू थीटा। अब डिराइव करने का सिंपल सा फंडा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, तो इसको थीटा प्लस थीटा लिखते हैं। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये सारा समांतर के पास क्या हो गया, टू साइन थीटा कोस थीटा। इजी, तो साइन दो थीटा क्या आ गया अपने पास, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी चीज़ को अगर सब मल्टीपल में बोला जाए तो अपने को ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ पे जो भी एंगल था उसका आधा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं थीटा लिख रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू और थीटा बाई फोर हो जाएगी। तो इसमें अलग से सब मल्टीपल मल्टीपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हमें ये देखना है कि ये एंगल आधा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि टू साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, तो रिवर्स करके दिख रहा है साफ साफ, ये साइन टू थीटा है, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया मेरे पास हाफ, जस्ट फॉर्मूले को याद करने के पर्पज से। अगर इसको मेरे को टेन में एक्सप्रेस करना है, टेन कैसे बनाओगे, साइन के नीचे कोस डाल दो, तो साइन के नीचे कोस डालने के बाद क्या बनेगा, ये टेन थीटा हो गया, नीचे डाला तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। कोस को नीचे खींचा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको रूप क्या बन गया मेरे पास, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो साइन टू थीटा को बेसिकली मैं अगर टेन की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए करना पड़ता है, और उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। कभी अपने वो इतना भी याद है तो मेरे को पता ही टेन में कैसे जाना है, तो ओरली देख सकते हो कोस से ऊपर नीचे डिवाइड किया और क्या किया है, पुराने कॉन्सेप्ट यूज करते रहो तो ईजी हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ अपन ने सीख ली, साइन दो थीटा का फॉर्मूला। अब मैं निकाल रहा हूँ कोस दो थीटा, कोस ए प्लस बी सेम, तो कोस ए प्लस बी क्या था, कोस ए कोस बी, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए साइन बी साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपना कोस दो थीटा। अब इसको देखो पलट पलट के लिख सकते हैं, ये सबसे काम का फॉर्मूला है, अभी देखेंगे इसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे की जा सकती है। टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोस को पलट दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और इसको अगर अपने वो टेन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया मैंने, तो कोस अपॉन कोस वन हो गया, साइन अपॉन कोस, मल्टीप्लाई भी किया था नीचे खींचो सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और उसको मैं लिख दूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप देख पा रहे हैं, ओके। सिंपली कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कोस स्क्वायर को नीचे खींचे सेकेंड स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ईजी सी सिंपल सी बात है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, इन दो फॉर्मूला का, ये सब खास तौर पे कोस दो थीटा कोस दो थीटा, इसको उठा के देखो ये क्या बन गया मेरे पास, मैं क्या लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस में उधर फेंका प्लस का हो गया, ओके। सिमिलरली टू साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस में लाया प्लस का हो गया, और कोस दो थीटा को उधर फेंक दिया तो माइनस कोस दो थीटा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, कोस दो थीटा का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तब देखो कभी भी आपको इसकी एप्लीकेशन समझो, इस दोनों की कभी भी आपको आधे एंगल पे वैल्यू निकालनी है तो कोस दो थीटा कोस की पता है तो आप आधा करके इधर जा सकते हो, साइन की आधी निकालनी तो भी तुम कोस का यूज कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन तो क्या हो गया, हाफ एंगल पे वैल्यू आराम से निकाल सकते हो आप,
दूसरा इन दोनों को डिवाइड कर दो तो मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस दो थीटा अपॉन वन प्लस कोस दो थीटा। तो पहली चीज़ तो पता लगी, हाफ एंगल पे वैल्यू आराम से निकाल सकते हो कि अगर आपको आधे एंगल पे कोस में निकालनी, साइन में निकालनी, टेन में निकालनी, तो बेस्ट तरीका ये आप कोस दो थीटा से जाओ। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल मान लो मेरे को पाई बाई एट पर निकालना है। पाई बाई एट अपना बेसिकली 22.5 डिग्री, किसका आधा है, पाई बाई फोर का। तो अगर आप, और एक्यूट एंगल है ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू रही, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा मेरा पाई बाई एट, मतलब कोस पाई बाई एट की वैल्यू क्या हो गई जनता, दैट इज स्क्वायर रूट वन माइनस कोस दो थीटा, और दो मतलब डबल कर दिया, पाई बाई फोर हो गया, डिवाइड बाई टू। सोल्व करके निकाल सकते हो आप, वन बाई रूट टू, रूट टू माइनस वन अपॉइंट टू, रूट टू का अंडर रूट आएगा, क्योंकि याद नहीं रखनी होती है, इसलिए आपको बस एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कैसे सोल्व हो रही है। सेम ऐसे ही अगर साइन थीटा निकालना हो तो फिर आप कैसे करोगे, साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई एट, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कोस दो थीटा अपॉन टू। तो इसको आप अच्छे से याद रख लो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को अगर अपने को डबल एंगल में एक्सप्रेस करवाना है तो कैसे कराएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस था, कोस दो थीटा क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस दो थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस पाई दो थीटा बाई टू, वैल्यू पुट करोगे आराम से आएगा। अब टेन पाई बाई एट की वैल्यू जो है वो थोड़ी सुंदर आती है, तो वो याद रख सकते हो आप, क्वेश्चंस में काम आती है, जो चीज़ याद होने लायक है वो तो याद रखनी है, बाकी जो नहीं है थोड़ा फट लगा के करो, और वो अल्टीमेटली अगर बार बार यूज़ हो रही है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, याद वैसे ही हो जाएगी, तो अलग से लोड नहीं लेना उसके लिए। वन माइनस कोस पाई बाई फोर अपॉन वन प्लस कोस पाई बाई फोर सारे का स्क्वायर रूट, तो जनता ये मेरे पास बन गया रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। रैशनलाइज कर दो इसको, अंदर वाली चीज़ को, तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, तो अंडर रूट से बाहर आके सीधा बन जाएगा रूट टू माइनस वन। ये अपन ने सीख ली किसकी वैल्यू, टेन पाई बाई एट की, और साथ ही साथ देख लिया कि कोस टू थीटा का एप्लीकेशन क्या है। दूसरा इसकी एक मोटी एप्लीकेशन क्या है, डिग्री को रिड्यूस करवा रहे हो आप, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे लीनियर है, दो एंगल डबल हो गया पर डिग्री रिड्यूस हो गई आपकी। तो देखो इंटीग्रेशन वगैरह में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इनका जब इंटीग्रेशन करना होता है तो हम पहले लीनियर ही बनाते हैं, क्योंकि कोस का तो डायरेक्टली कर ही सकते हो ना, तो एक काम तो क्या हो गया, डिग्री रिड्यूस कराने का काम आएगा और हाफ एंगल। ठीक है, अब साथ के साथ ये भी समझो कि मैं बार बार इसको कोस वाले को साइन वाले को टेन की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि अपना साइन कोस इक्वेशन दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, तो अगर पूरी इक्वेशन एक ही फंक्शन में रहेगी तो आराम से सोल्व कर पाओगे, तो हम उसको दोनों को ले जाके कहाँ डाल सकते हैं, टेन में एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो डबल एंगल में आई गेस आपके फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। टेन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, टेन टू थीटा क्या होगा, टेन टू थीटा इजी है, टेन टू थीटा इज बेसिकली टेन ए प्लस बी, क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी, दैट इज टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, तो दैट इज टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन दो थीटा कोस दो थीटा टेन दो थीटा का मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूँ, और हाफ एंगल पर आपने वैल्यू भी निकाल ली है, तो कुछ सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन देखते हैं फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, लोड नहीं अभी याद हो जाएगा, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे साथ साथ हो जाएगा, फोकस बनाए रखें। ठीक है, प्रूव करना है साइन टू थीटा अपॉन वन प्लस कोस टू थीटा इज टेन थीटा। ठीक है, इजी प्रॉब्लम्स लेना फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए। साइन दो थीटा क्या था मेरे पास, टू साइन थीटा कोस थीटा, और वन प्लस कोस दो थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टू कोस स्क्वायर थीटा, तो सीन दिख रहा है आपको, टू से टू कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो गया मेरे पास, टेन थीटा। ओके, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, वन प्लस साइन टू थीटा कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन टू थीटा, ठीक है, एंड माइनस कोस टू थीटा। इसको सिंपलीफाई करके मेरे को लेके आना है कोट थीटा के इक्वल। चलो कोशिश करते हैं, अब जैसे मैं ये देखता हूँ ना, वन प्लस कोस वन माइनस कोस, तो अपना चमकना चाहिए दिमाग में कि वन प्लस कोस को क्या लिखा जा सकता है, टू कोस स्क्वायर थीटा।
और अपने जो साइन के साथ बैठे हैं हमारा साइन टू थीटा, इसको ब्रेक कर देते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा। इजी, सेम पॉलिसी नीचे लेंगे, वन माइनस कोस टू थीटा क्या लिखते हैं आप, टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा को ओपन कर दिया टू साइन थीटा कोस थीटा। तो ऊपर से मेरे पास टू कोस कॉमन आ रहा है, नीचे से टू साइन कॉमन आ रहा है, तो उसमें किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऊपर बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन लेने के बाद, तो आई गेस सेम स्टोरी नीचे भी दिखाई देगी आपको कॉमन लेने के बाद। तो हमारा आंसर आ चुका है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये भाई गए, दो से दो भी गया, और रेशियो लेने के बाद कोस अपॉन साइन क्या हो गया मेरे पास, कोट थीटा। इजी, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं आराम से, ताकि आप फॉर्मूले अच्छे से सोच पाए, देख पाए। वन प्लस साइन थीटा प्रूव करना है कि ये जो समान है पूरा कन्वर्ट किया जा सकता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू के अंदर। अब आप देखो, एक चार एक्सप्रेशंस हैं, उनको तो आप गांठ बांध लो। दो तो आपने अभी देखी है, वन प्लस कोस दो थीटा क्या था, टू कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस दो थीटा क्या था, टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड दो और ले लो अपने साथ, वन प्लस साइन टू थीटा। देखो ये टू साइन थीटा कोस थीटा, और वन को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है मेरे पास। तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम स्टोरी इसके साथ भी लगाई जा सकती है, वन माइनस साइन टू थीटा के साथ, तो वो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया मेरे पास, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लगाओ, देखो आधा और एंगल, तो इसको कोस दो थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, अब कहाँ पे कैसा यूज करना है, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सवाल के हिसाब से पता लगेगा आपको। थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखो ना, ये क्या बन रहा है, वन माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा बाई टू, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू फॉर्मूला। साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो इसी तरह की पेयरिंग दिखाई देती है मेरे को, इसलिए इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। और वन प्लस साइन थीटा क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, आइडेंटिटी बन गई अभी थोड़ी देर पहले देखा है अपन ने। तो जनता, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों ना ऊपर वाले को खोल दिया जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ए प्लस बी उड़ जाएगा तो आप देख पाओगे कि क्या चीज़ बन रही है। ए प्लस बी उड़ चुका है, एक नीचे डबल थे प्रोडक्ट में तो एक बच गया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कोस थीटा बाई टू से। अब देखो, अगर आपने शुरुआत में फॉर्मूला अगर डिराइव करे होंगे मेरे साथ साथ, तो आपको अपना आप फॉलो कर पाओगे कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं कोस से, क्योंकि फॉर्म क्या चाहिए, वन माइनस टेन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा बाई टू, तो ये बन गया वापस मेरा टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, हैंस रूट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस रिजोल्व करनी आनी चाहिए, इसमें ये दिमाग नहीं लेके आना कि अब तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए तमीज से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी किस तरह से लगते हैं फिर आपको दिखने लग जाएगा। ओके, चलिए, जैसे कि मैंने बोला आधे एंगल पे खेलना हो तो कोस से जाया जा सकता है। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू माइनस थ्री बाई प्लस थ्री बाई फाइव। ओके, और ये जो मेरा ए है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही है, मतलब एक्यूट है, तो कोई रिस्क नहीं है अपने हाफ एंगल सब वो भी सब भी क्या होंगे, एक्यूट ही होंगे। और डबल पे जाओ, अब मेरे से पूछा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन टू ए कोस टू ए एंड टेन टू ए। ओके, टेन टू ए तो आसान है, एक्यूट एंगल है, सबको पता है कि साइन पता है तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर बाई फाइव, और टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री बाई फाइव। टेन ए बेसिकली थ्री बाई फोर हो जाएगा मेरे पास, साइन टू ए कोस टू ए फोर में लगाओ, ख़त्म करो। साइन टू ए टू साइन ए कोस ए, कोस टू ए टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, या फिर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और टेन टू ए का क्या होता है, टू टेन ए अपॉन
वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए प्लस बी की तरह। थोड़ा भी कन्फ्यूज हो तो वापस बेसिक से वापस डिराइव करो, ठीक है, बिना इसमें ज़्यादा कोई फर्रा बर्रा बनाए। जितनी बार डिराइव करोगे उतनी बार ये याद होने के चांस बढ़ जाएंगे और एप्लीकेशन भी पता लगती है ना साथ साथ। मेरे को गिवन है टेन अल्फा है 1/7, ओके, एंड साइन बीटा है मेरे पास 1/√10, ओके। सो बोथ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट, मतलब 0 से π/2 के बीच का सीन है। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस 2β की क्या होगी। तो मैं क्यों ना इसमें इसकी वैल्यू पता करने के लिए टेन ले लूं, टेन अल्फा प्लस 2β, ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा तो मेरे को दे ही रखा है, तो a प्लस बी लगा दिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, बी अपना 2β है, तो अपने को टेन 2β मिल जाए तो काम खत्म। तो टेन 2β को मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूले से, तो उसके लिए अपने को टेन बीटा का वैल्यू चाहिए होगा, साइन दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना लेता हूँ, 1√10 ये मेरा बीटा है तो 3 हो गया, तो टेन बीटा का वैल्यू अपने पास आ गया 1/3, तो टेन 2β हो गया अपने पास 2 tan β 1 - tan²β। तो ये सोल्व करके हो गया सीन 6/8 दैट इज 3/4। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू पता है, टेन 2β की वैल्यू आ गई है, तो फॉर्मूले में डाल दी जाए टेन अल्फा 1/7, टेन बीटा 3 tan², 3/4 और 1 - दोनों का प्रोडक्ट। तो देख लो आप 4 = 21 कितना हो गया मेरे पास 25, और नीचे 28 - 3 = 25, तो आंसर 1 आ गया। तो बच्चों टेन अल्फा प्लस 2β की वैल्यू सोल्व करके मेरे पास आ गई 1, तो ऑब्वियसली बात है जो अंदर का 1 वैल्यू कब आएगी मेरे पास 45, मतलब ये जो एंगल अपना हो गया π/4। इजी, आसान सवाल था। और निकालते हैं दो चार सिंपल सवाल रेंज वगैरह से रिलेटेड। अपने पास बोल रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ px, एक्सप्रेशन दे रखी है साइन x साइन क्यूब x प्लस 3 प्लस कोस x कोस क्यूब x प्लस 4 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। थोड़ा मल्टीप्लाई किया जाए, सुधारा जाए इसको, तो बन जाता है मेरे पास साइन रेस्ट पावर 4x, पीछे वाले कोस रेस्ट पावर 4x को भी एक साथ लिख लेता हूँ, बचा क्या 3 sin x प्लस 4 cos x, और पीछे की दोनों टर्म पड़ी हुई है अभी। ये पता है बचपन से क्या करते हैं, 15 raised to power 4x प्लस 4 raised to power 4x, फर्स्ट लेक्चर में 10th क्लास के रिविजन में सीखा था इसको। मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin²x cos²x, a² + b² बेसिकली क्या होता है, a + b² - 2ab, और अपने a प्लस बी क्या है 1, पीछे चल रहा है चलने दो, 3 sin x प्लस 4 cos x, और क्या है हाफ sin²2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, जब भी साइन एक्स कोस एक्स साथ में चलते हैं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए साइन टू एक्स बेसिकली क्या होता है 2 sin x cos x, तो बहुत साइड स्क्वायर करोगे तो 4 चमकना चाहिए, 4 करने के लिए मैंने कर दिया हाफ, ऊपर का सीन हो गया मेरे पास 2 × 2 = 4, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ क्या बन गई मेरी, ये वाली चीज़ माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x,
कमाल की बात हो गई, तो पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो सीन बचा क्या, 5 और 1 6 प्लस 3 sin x + 4 cos x, ये तो अपनी फेवरेट फॉर्म आ गई, a sin x + b cos x। लेक्चर 3 में बात की है इसके लास्ट में, a sin x + b cos x कहाँ से कहाँ भागता है, -√a² + b² से लेके +√a² + b² ए मतलब अपना 3, बी हो गया अपना 4, -5 से 5 खेल रहे हो तो ये पूरा सामान किधर हो जाएगा, 6 -5 1, 6 + 5 1 से 11। सिंपली क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया, sin^4 cos^4 को यूज कर लिया, और पीछे एक और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, a sin x + b cos x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। चलो तो एक और सवाल इस तरह का कर लिया जाए, और इसकी रेंज निकालनी है आपको, फंक्शन की एक्सप्रेशन दे देता हूँ, cos²θ - 6 sin θ cos θ + 3 sin²θ + 2, इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो हमारे पास, जैसे ही मैं देखता हूँ तो मेरे को नज़र आ रहा है कि ये तो -3 sin²θ लिखा हुआ है, 2 sin θ cos θ और sin²θ, डबल एंगल में जा रहे हो आप, तो डबल एंगल में जा रहे हो तो देख लो, यहाँ से 1 sin² इस cos² को पकड़ा दूँ तो वो तो बन गया मेरे पास 1, बच गया अपने पास 2 sin²θ। 2 sin²θ को मैंने क्या लिखा था याद करो, 3 - 3 sin²θ, 2 sin²θ लिख सकते हैं, 1 - cos²θ, ठीक है ना, तो ये हो गया 4, माइनस कॉमन खींच लो, 3 sin²θ + cos²θ, अगेन ये कौन सी फॉर्म बन गई, a sin x + b cos x, तो √a² + b² इसमें भी लगाओगे तो -√10 से + √10, तो पूरा सीन अपना कहाँ पे हो गया, 4 - √10 से लेके 4 + √10 तक आप झूल सकते हो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, कैसे डबल एंगल का यूज हो रहा है उस पे गौर कीजिएगा, इजी। अब एक क्लासिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा डबल एंगल का काम भी कब तक पूरा हो जाएगा, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा लेक्चर के एंड पे, मिक्स प्रॉब्लम सीरीज एटसेट्रा, तो बने रहेंगे आप। sec θ - 1 / sec^4θ - 1, इसको प्रूव करना है, 10 8θ / 10 2θ। अब कैसे करोगे, बेसिकली सीकेंड में कोई फॉर्मूला सीखा नहीं, तो कम से कम इसको 1/cos 1/cos करो, एलसीएम वगैरह लो, तो क्या दिखेगा, अपॉन में cos 8θ, दूसरी चीज सेम एलसीएम लेने के बाद 1 - cos 4θ अपॉन में cos 4θ, तो ऊपर भाग गया वो, और थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने 1 - cos 2θ क्या होता है, 2 sin²θ, तो ये चीज को क्या लिख सकता हूँ, एंगल आधा करना है अपने को, 8 का आधा हो गया 4, 2 sin²4θ (cos 4θ) बॉटम cos 8θ, ये भी एंगल आधा हो गया 2 sin²2θ। अब इसमें देखो अपने को tan 8θ बनाना है, तो मेरे को sin 8θ चाहिए और बॉटम पे चाहिए cos 8θ, तो cos 8θ तो है मेरे पास, sin 8θ कैसे बनाओगे आप, वो दिख रहा है देखो मेरे को, sin 4θ cos 4θ क्लब करके चल रहा है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म में से एक तो बाहर लिख देता हूँ, अंदर एक बचा लेता हूँ, तो 2 sin 4θ cos 4θ / cos 8θ, ठीक है बाकी चलने दो। अब देखो ये क्या बन गया, sin 8θ, और बॉटम में मेरे पास क्या है cos 8θ, तो आधा काम तो मैं कर चुका हूँ, अब बचा अपने पास tan 2θ लिख के आना है, तो उसके लिए sin 2θ तो है ऊपर है 4, इसको क्यों ना खोल दिया जाए, तो ये भाई और ये भाई तो अपने पेयरिंग हो गई इनकी, बाकी के साथ खेलो, tan 8θ, sin 4θ को क्या लिख दूंगा, 2 sin 2θ cos 2θ, बॉटम हो गया मेरे पास 2 sin 2θ sin 2θ, कैंसिल, cos/sin क्या होता है, cos
पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10। ओके, तो कितने आराम से आ गया, इजीली आपने फॉर्मूला अप्लाई किए, आराम से दिख रहा है मेरे को। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान। तो एक छोटा फॉर्मूला और कर लो यार, थोड़ा और फॉर्मूले अच्छे हो जाएंगे हमारे। एक सवाल और, उसके बाद फिर आप सवाल लगाएंगे डबल एंगल पे बेस्ड। ठीक है, तो 3 माइनस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a बॉटम, 3 प्लस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a, इस सारी बड़ी से एक्सप्रेशन को मेरे को लिखना है 10 4a के बराबर जाना है। अब देखो कि 4 पड़ा हुआ है, और कहीं से अगर इसको बाजू में 4 मिल जाता तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की फॉर्म दिख रही थी मेरे को। तो क्यों ना इस 3 को मैं क्या लिख दूँ, 4 माइनस 1। माइनस 1 पीछे वाले भाई के काम आ जाएगा, 4 इसके काम आ जाएगा, दोनों का काम हो गया थोड़ा सा मैनिपुलेशन। तो मैंने रीअरेंज करके लिख दिया 4 माइनस 4 cos 2a। ठीक है, -1 को पीछे लिख रहा हूँ, cos 4a। सेम सीन बॉटम में बनाने की कोशिश करते हैं, 4 प्लस 4 cos 2a -1 प्लस cos 4a। देखो 4 को मान लो, वही सेम चीज़, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा। 4 को मन खींचा, 1 माइनस cos 2a 2 sin² a, एंगल आधा हुआ है। माइनस को मन खींचो, 1 माइनस cos 4a 2 sin² 2a बॉटम, 1 प्लस cos 2a। प्लस कर दोगे तो क्या हो जाता है, 2 cos² थीटा हो जाएगा, और तो क्या। और ये क्या बन गया, 4 कॉमन खींचा, 1 प्लस cos 2a 2 cos² a, माइनस कॉमन खींचा, 2 sin² 2a। ठीक है, अपने फाइनली ए तक पहुंचना है, तो पीछे ही मेरे को दिख रहा है अपना फायदा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 2 तो कॉमन लेके कैंसिल करो यार, थोड़ा सा सुंदर बन जाएगा, 2 2 2 उड़ा दिया। चलो खोलो उसको, तो क्या बनाए, 4 sin² a माइनस, खोल दो डबल एंगल में खोलना, sin 2a होता है 2 sin a cos a, स्क्वायर करके खोलना है, 4 sin² a cos² a बॉटम, 4 cos² a -4 sin² a cos² a। आई गेस आप ऑलमोस्ट आंसर देख पा रहे होंगे। तो ऊपर से अपन ने क्या किया, sin² a 4 भी कॉमन लेके उड़ा सकते हो, तो sin² a कॉमन खींचा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस cos² a, जो कि sin² ही होता, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी, और क्या, cos² a कॉमन खींचा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस sin² जो कि क्या होता है मेरे पास, cos² a। तो ले दे के सीन हो गया, sin 4a cos4a, जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट दे देगा 10 4a। तो आई होप डबल एंगल के कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो फटाफट कुछ सवाल लगाओ, फिर हम ट्रिपल एंगल पे करेंगे और दोनों के मिक्स प्रॉब्लम्स पे भी काम करेंगे। तो दोस्तों, हम डबल एंगल सीख चुके हैं, तो बढ़ते हैं ट्रिपल एंगल की तरफ। तो बेसिकली अपने को sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करना है पहले। तो sin 3 थीटा इसको लिख लेते हैं, 2 थीटा प्लस थीटा, sin a + b सबको आता ही है, अप्लाई कर दो, sin a cos b + cos a sin b, पुराने फॉर्मूलों का पूरा यूज। क्या बने वाला कि cos 2 थीटा को भी खोल दो, फाइनल पूरा आंसर मेरे को साइन में चाहिए, इसको साइन की फॉर्म में ही खोलता हूँ, 1 माइनस 2 sin² थीटा sin थीटा। इसको भी चेंज कर दिया जाए किसके अंदर, 1 माइनस sin² थीटा। तो अपना ये सीन हो गया है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए ब्रैकेट के अंदर, 2 sin³ थीटा प्लस साइन थीटा -2 sin³ थीटा।
ये हो गया अपने पास 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, ये आ गया अपने पास sin³ थीटा। ठीक है, अब इसका देखो ये निकाल तो लिया अपन ने, अब यूज क्या क्या है। एक तो देखो सबसे बड़ा यूज तो यही है कि अपन डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज होती है अपने पास जब भी हम डिवाइडेड बाई 4। देखो यहाँ पे ट्रिपल डिग्री है और यहाँ पे अपने पास सिंगल डिग्री है, तो इंटीग्रेशन वगैरह में काफी काम आता है। दूसरा एक और पैटर्न ले सकते हो जो सवालों में पूछा जाता है अक्सर, अगर मैं इसमें साइन थीटा कॉमन निकाल लूँ तो sin³θ/sin θ मेरे को क्या नजर आएगा, 3 -4 sin²θ। ये बड़ी काम की चीज़ है, कभी भी ऐसे 3-4 कॉम्बिनेशन में दिखे तो अपने को समझना चाहिए ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फॉर्मूला कंप्लीट किया जा सकता है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद होना काफ़ी नहीं है, उसका वेरिएशन भी दिमाग में रखोगे कैसे काम में लिया जा सकता है। सेम यही प्रोसेस कोस थीटा के लिए भी की जा सकती है। चलिए फॉर्मूला डिराइव करते, पहले cos²θ+θ, अगेन cos A cos B - sin A sin B, cos A+B का फॉर्मूला लगाया बेसिकली। तो फाइनल आंसर मेरे को पूरा कॉस में ही चाहिए, तो इसको खोल देते हैं, 2 cos²θ-1, cos²θ का फॉर्मूला लगा दिया इंटू cos θ, ये खुल जाएगा 2 sin θ cos θ, तो एक साइन पीछे भी है तो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2 sin²θ। इसको भी बदला जाए 1 - cos²θ। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या बना, 2 cos³θ - cos θ, ये हो जाएगा -2 cos θ + 2 cos³θ। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आगे माइनस भी लगा हुआ है तो साइन भी पलटने साथ साथ, ये बन गया अपने पास 4 cos³θ - 3 cos θ। ओके, तो ये बड़ा आरामदायक हो गया अपने लिए, ठीक है ना, याद करना। साइन में देखो 3 sin θ - 4 sin³, इसमें 4 cos³ - 3 cos θ, तो बस आगे पीछे 3 4 4 3। और जैसे हमने डिग्री रिड्यूस करने की बात कही है वो सारी चीज़ें इस पे भी वैलिड है, cos³θ + 3 cos θ डिवाइडेड बाई 4, और साथ ही 4-3 का पैटर्न भी दिमाग में रख सकते हैं अपन। मेन फॉर्मूला अच्छे से याद हो, अच्छे से डिराइव किया हो तो अपने को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। 4 cos²θ - 3 सिंपली, कॉस तो हमने कॉमन निकाल लिया, -3, इजी। ये cos³θ हो, tan³θ भी निकाल सकते हो, ये क्या होगा अपने पास tan³θ। अब याद करो हमने कंपाउंड एंगल का तीसरा लेक्चर देखा था, उसमें हमने मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले देखे थे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो tan³θ के लिए, और a+b से भी जा सकते हो, a+b से ही जाते हैं अभी हाल फिलहाल, तो tan³θ tan A+tan B / 1 - tan A tan B, सारे फॉर्मूले आपको भी डिराइव करने हैं। अब tan³θ का फॉर्मूला आप खोल दिया जाए, दैट इज 2 tan θ / 1 - tan²θ + tan θ / 1 - 2 tan θ / 1 - tan²θ × tan θ। एलसीएम वगैरह लो, ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास, 1 tan θ 2 tan θ है तो 3 tan θ -tan³θ डिवाइडेड बाई, इधर क्या बनेगा, 1 - tan²θ - 2 tan²θ, 1 - tan²θ, डिनोमिनेटर सेम है तो कट चुका है वो, तो ये अपने आराम से इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और एक आपने सीखा भी था, याद करो a+b+c क्या था, s1 - s3, ऊपर रोड की सीरीज नीचे ई वन की सीरीज, एक एक करके सम, तीनों का एक साथ लेके सम, दो दो करके सम, तो
तो यहाँ पे तीनों सेम ही है, थीटा थीटा थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, थ्री टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा, और दो दो करके प्रोडक्ट करोगे तो तीन पेयर बनते हैं अपने पास, ए बी बी सी सी ए, तो हर जगह थीटा ही है, तो थ्री टेन स्क्वायर थीटा चमकता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने थ्री थीटा के फॉर्मूले डिराइव कर लिए। अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स किए जाएँ ताकि इन फॉर्मूलों को हम मास्टर कर सकें पहले। चलिए तो आई होप यू आर रेडी विद द फॉर्मूलाज। तो हमें बताना है 4 cos square 9 डिग्री माइनस 3 इंटू 4 cos square 27 डिग्री माइनस 3 की वैल्यू सोल्व कर करा के आएगी हमारे पास 10 अल्फा डिग्री। अल्फा का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो जैसे मैं चार तीन का कॉम्बिनेशन देखता हूँ मेरे को तो 3 थीटा वाला फॉर्मूला चमकने लगता है। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिग्री से, तो ये बन जाएगा 3 cos 9 और नीचे भी चल रहा है 9, ठीक है, cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सेम स्टोरी दूसरे वाले भी कर सकते हैं, 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 27 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ऊपर बन गया 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया अपना cos 27 डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री, ये हो गया 27 का ट्रिपल 81 अपॉन cos 27 कैंसिल। अब देखो 81 और 9 का सम 90 डिग्री, तो cos 81 को मैं लिख सकता हूँ sin 9 डिग्री, 90 माइनस थीटा बेसिकली अपॉन cos 9 डिग्री, तो ये बन गया अपना 10 9, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 9। ईजी, सो स्मूथ, सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाव। चलिए सिर्फ फॉर्मूले प्रैक्टिस करवाने के लिए इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। चलिए एक सिंपल सा सवाल, कोस क्यूब थीटा इंटू कोस इंटू साइन थ्री थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थ्री थीटा, क्यूब लगा हुआ है ये तो कॉम्बिनेशन तो नज़र आ ही रहा था, कोस थ्री थीटा, इसका वैल्यू आएगा मेरे पास ए बाई बी साइन बी थीटा, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आएगी। अब क्यूब ना होता तो सीधे सीधे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखता है मेरे को, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, तो क्यों ना इस क्यूब को हटाया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था लीनियर टर्म का कैसे बनाते हैं, इसकी याद करो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस थीटा, और यही चीज़ साइन में चलती है पर 3 माइनस 4 सेम टर्म, तो कोस क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन क्यूब को भी खोल दिया जाए ऐसे ही, वो बनेगा मेरे पास 3 साइन थीटा, उल्टा है ये ध्यान रखना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कोस 3 थीटा। चलिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए और लिखिए 1 बाई 4 पूरा बाहर रख लेता हूँ, कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा कोस थीटा, पीछे वाली ब्रैकेट लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, वो क्या बन रही है मेरे पास 3 कोस 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, साफ दिख रहा है सबको, ये कट गया, ये तीन कॉमन ले लें तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या चमका, चमक गया ये 1/4, 3 कॉमन खींचने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 3 थीटा प्लस थीटा हो गया 4 थीटा, तो देख पा रहे हैं आप 3/4 साइन 4 थीटा, तो ए अपना 3 चमक रहा है और बी हो रहा है 4। इजी सिंपल 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, लीनियराइज कर रहे हैं, चार दिन कॉम्बिनेशन में लिख रखा है, बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं उसको। चलिए एक और सवाल करते हैं, आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आएगा इजीली। साइन 3 ए अपॉन साइन ए
माइनस कोस थ्री ए अपॉन कोस ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एक बार फॉर्मूले मास्टर कर लें और बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे इनके मिक्स मल्टीपल एंगल्स पे हम चैप्टर के इस लेक्चर के एंड पे, तो बने रहेंगे अपन लास्ट तक। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, सोल्व करो उन असाइनमेंट्स को और अच्छी क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फॉर्मूला खोल रहा हूँ सीधे सीधे ऊपर, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए बॉटम साइन ए माइनस फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए, थ्री माइनस अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, फोर साइन स्क्वायर माइनस फोर कोस स्क्वायर है, ब्रैकेट भी ओपन कर दे रहा हूँ साथ साथ, प्लस थ्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, तीन और तीन छः, कॉमन खींचो चार, अंदर बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जिसका वैल्यू वन हो जाता है, तो सिक्स माइनस फोर सिंपली आंसर कितना हो गया मेरे पास, टू। इजी, एक आठ टेंथ थीटा पे भी कर लिया जाए सवाल, सिंपल सा एक सवाल लेते हैं, टेन थीटा प्लस टेन सिक्सटी प्लस थीटा माइनस माइनस टेन सिक्सटी माइनस थीटा। ओके, इसको प्रूव करना है अपने को थ्री टेन थ्री थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो अपने को दिख रहा है कि भाई इसको मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ और सहूलियत के लिए टेन थीटा को टी ले लिया जाए, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया टी प्लस टेन ए प्लस बी, लगाइए क्या बन गया, टेन सिक्सटी हो गया मेरे पास रूट थ्री प्लस टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस, पीछे लगाओ सेम चीज़ रूट थ्री माइनस टी अपॉन वन प्लस रूट थ्री टी, एलसीएम एलसीएम लिया जाए तो नीचे हो गया, देख मेरे पास वो बन रही ना थ्री थीटा वाली फॉर्म, थ्री टी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यही चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी टी माइनस थ्री टी क्यू। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करते हो चलो, मेरे पास बन रहा है रूट थ्री प्लस टी कॉमन ले लूँ तो बन रहा है ये टी, और यहाँ से ये बन रहा है मेरे पास टी और वो बन रहा है थ्री टी, तो ये हो गया कितना थ्री टी प्लस टी फोर टी। ओके, और रूट थ्री टी स्क्वायर, पीछे वाली टर्म्स लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करो माइनस रूट थ्री ओपन करके लिखेंगे सीधा ही, ठीक है, माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई किया माइनस टी माइनस थ्री टी माइनस फोर टी हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या आया टी फोर टी और ये हो गया अपने पास माइनस टी प्लस फोर टी हो जाएगा ये, और माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस है तो माइनस रूट थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म देखो, क्वाड्रेटिक की टर्म देखो, लीनियर देखो, एलसीएम ले रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो रूट थ्री कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर का सीन बचा मेरे पास फोर्टी फोर्टी नाइनटी माइनस थ्री टी स्क्वायर, तो तीन कॉमन लेके लिख लूँ थ्री टी माइनस टी क्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टी स्क्वायर, तो सिंपली सीन क्या बना अपना, ये हो गया है थ्री, अब देखो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया टी के जगह थ्री थीटा चिपका हुए तो आंसर आ गया आराम से। अब इसी चीज़ को अगर मान लूँ मैं कुछ दिमाग में साइन कोस जैसा बनाऊँ, तो पीछे वाली टर्म को अगर लेके चलें, देखो साइन अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, एलसीएम एलसीएम लोगे तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, साइन ए नीचे से कोस आएगा कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन
ए माइनस बी का सब्ट्रैक्ट कर रहा, तो ऊपर बन रहा है टू थीटा और नीचे चल रहा है मेरे पास कोस 60 प्लस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा। इसको भी चेंज कर देता हूँ साइन अपॉन कोस, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास, नीचे से कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा, ये तो अपना पैटर्न बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में सीखा ना अपन ने, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाई फोर, और ऊपर का सीन ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये लगा देता हूँ कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और पीछे अपने पास क्या चल रहा है सब्ट्रैक्ट किया था ना हमने ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया था 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, तो साइन दो थीटा चल रहा है, चलने दो। देखते हैं, चलिए ऊपर क्या बन गया मेरे पास साइन थीटा, अलग अटेम्प्ट से करने की कोशिश करें, 60 की वैल्यू होती है हाफ थी, 1/4 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई, इस चीज़ को मैं बोल ही रहा हूँ कि ये क्या है कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास, देखो 4 तो सबके पास आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो काट देता हूँ साइन थीटा 1-4 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, पीछे भी 4 चल रहा है, तो ये क्या बनाया जा सकता है, अलग अप्रोच से चलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर मेरे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए कैसे भी करके, तो थोड़ी शांति होगी, और वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो एक 4 साइन क्यूब तो मेरे को दिख रहा है, हमने अप्लाई किया यहाँ पर साइन अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो साइन ए माइनस बी 60 प्लस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा 60 कैंसिल, साइन 2 थीटा हो गया ऊपर। ओ ओ ओ, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, एलसीएम जब लिया तो पीछे यहाँ से कोस थीटा भी तो आएगा एक, यस कोस थीटा, अब मजा आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे भी एक कोस थीटा, तो पीछे 2 साइन ए कोस भी अप्लाई कर देंगे। देखो अलग अलग तरह से अप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूले स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पीछे देखो मैं खोल रहा हूँ इसको 2 टाइम्स चल रहा है, पीछे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन थीटा, अब आगे ना देखो एक 2 साइन थीटा इसके साथ चिपकेगा, बोटम मेरी कोस थीटा चल रही है, तो क्या बन गया साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और पीछे भी चल रहा है 2 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 3 थीटा, तो ये बन गया 3 साइन 3 थीटा अपॉन कोस थीटा 3 टैन 3 थीटा, ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर वो लंबा एलसीएम मल्टीप्लाई करने का मूड ना हो तो साइन अपॉन कोस में देखो फॉर्मूले की वैरायटी डिफरेंट तरीके से अप्लाई करोगे तभी और कमांड आएगी आपकी, तो मैंने बस इसको साइन कोस में पलटा और जहाँ जो फॉर्मूला मेरे को लगता दिखाई दे रहा है लगाते जा रहा हूँ, 2 साइन ए साइन बी लगाया इसके अंदर, ठीक है एलसीएम लगाया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज हुआ, फिर 3 थीटा के फॉर्मूला यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप करेंगे वापस दोनों तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा। तो चलिए हमने डबल एंगल ट्रिपल एंगल पे फॉर्मूले सारे देख लिए, अब कुछ क्रिटिकल वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, साइन 18 साइन 36 कोस 18 कोस 36, बस इतने ज़्यादा नहीं,
कोस 18, कोस 36, और जब 1836 पे कर लोगे तो 70 टू 54 पे अपना आईज आई कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, और याद करो आप 15 डिग्री पे ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है ना, और 15 डिग्री पे और 22.5 डिग्री पाई बाई 12 एंड पाई बाई 8, इन दो पे हमने निकाली थी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके और ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करके। तो सबसे पहले देखो 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको, साइन 18 पे कैसे निकालोगे। अब अपने वैल्यू तो पता है 0, 30, 45, 60, 90 पे, तो उसके मल्टीपल में उसे किसी कॉम्बिनेशन में बैठाने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे इनको 45 का आधा किया था, 45 माइनस 30 किया था, उसी तरह से कुछ सोचते हैं। तो 18 को अगर मैं देखो थीटा मानता हूँ तो मेरे पास 5 थीटा क्या हो जाता है, 90, सबसे नज़दीक यही है। और अभी हाल फिलहाल अपने फॉर्मूले सीखे 2 थीटा और 3 थीटा पे, तो उसको ब्रेक कर लेता हूँ। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं इसको ऐसा लिखूं 3 थीटा, तो अपने पास दो चॉइस हैं, या तो मैं ऐसा लिखूं 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, फिर दोनों साइड साइन लूं, या फिर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, फिर दोनों साइड साइन लूं। अब देखो कौन सा करना चाहिए, अगर तुम इस साइड से लोगे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा 3 sin θ - 4 sin³θ, ये बन जाएगा cos²θ, जिसको साइन में खोल दोगे 1 - 2 sin²θ, तो क्यूबिक बन रही है। साइन थीटा के अंदर क्या बन रही है, क्यूबिक, और यहाँ से ये बना sin²θ, 2 sin θ cos θ, ये बन जाए cos²θ, जिसमें 4 cos³θ - 3 cos θ, cos थीटा कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक। तो कम डिग्री ज़्यादा आसानी, तो इसी से जाता हूँ, दोनों साइड साइन ले लिया, क्या बन गया, sin²θ इज इक्वल टू sin 90 माइनस 3 थीटा। तो ये बन गया मेरे पास 2 sin θ cos θ, ये बन गया cos²θ, 4 cos³θ - 3 cos θ। कोस को मान लेके काट दो, क्योंकि थीटा अपना 18 डिग्री है, तो कोस 18 0 होता नहीं है, ध्यान रखें। बहुत साइड तभी कैंसिल करना जब अपने को श्योरिटी होगी वो 0 नहीं बन सकता, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है। तो बन गया 4 cos² कोस को मान लेने के बाद डायरेक्ट लिखता हूँ 1 - sin²-3। sin²θ क्या बन गया, 4 sin²θ, ठीक है, प्लस 2 sin θ, 4 - 3 + 1 बन रहा था, यहाँ के -1 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दो, क्या बन गई मेरे पास, -2 + -4 = 20/2a। तो 20 हो गया मेरे पास, 4 × 5, 2 कॉमन ले काट दूँ तो ये बन गया 1 + -√5/4। अब कौन से वैल्यू लोगे, प्लस के साथ के माइनस के साथ। अब ध्यान से वो थीटा क्या था अपना 18 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास, √5 - 1/4। ठीक है, इस एक को याद करो तो बाकी सब याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यही सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरे पास, cos 72 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। अब 18 के आ गए तो इसकी हेल्प से आप cos 36 की निकाल सकते हो। cos²θ क्या होता है, 1 - 2 sin²θ, थीटा मतलब आधा एंगल 18 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये बन गया मेरे पास √5 - 1/4 सारे का होल स्क्वायर, तो sin बन गया 1 माइनस, ऊपर बन जाएगा मेरे पास 6 - 2√5, नीचे 16 आएगा, काट के 8 कर देता हूँ,
इधर फेंका तो हो गया 2 + √5 डिवाइडेड बाई 8, कॉमन लेके बन गया √5 + 1/4। 18 36 का कॉम्प्रेशन समझो, साइन वाली वैल्यूज में बीच में माइनस है और कॉस वाली बीच में प्लस है, तो साइन 18 कॉस 36 निकाल लिया हमने। अब वैल्यू निकालनी मेरे को किसकी, कोस 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री को लिख सकता हूँ 1 - sin² 18 डिग्री। ठीक है, एक बार निकाल देता हूँ फिर सब एक जगह लिख के देखेंगे। √5 - 1/4 सारे का होल स्क्वायर, ये सीन बन गया 4² = 16 - ऊपर √5 + 1 = 6, 10 हो जाएगा, -√5 + 2√5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 16 है, ये क्या बन गया मेरे पास √10 + 2√5। अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले 18 36 का कॉम्बिनेशन चलता है, यहीं से अगर तुम sin 36 की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो सेम वैल्यू आई, पर साइन वैल्यू बीच में माइनस होता है, निकालने को आप निकाल सकते हो 1 - cos² 36 से। अब जब कोस 36 की वैल्यू वो आई थी सेम, बीच में प्लस है तो खोलोगे ब्रैकेट तो ऑब्वियस सी बात है +2ab है, आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो क्विकली वैल्यू रिवाइज कराऊँ, साइन 18 डिग्री कितना आया था आंसर √5 - 1/4, कोस 18 डिग्री, और 18 किससे कॉम्बिनेशन बढ़ता है 36 से, तो √5 + 1/4 कोस 18 डिग्री, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4, एंड अगेन यही सेम वैल्यू किसकी आएगी मेरे पास sin 36 की, बस बीच में माइनस आ जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ईजी, ये चार क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली हमने, इस पे कुछ आसान से सवाल करते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए। प्रूव करना है cos 12 डिग्री + cos 84 डिग्री + cos 156 डिग्री + cos 132 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना मेरे को क्या आएगा। ठीक है, इनमें से किसी भी डिग्री पर अपने वैल्यू पता नहीं है, तो आसान करने के लिए क्या करो, CD फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम साइड से जाता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लूँ क्या, ये चाहो तो पहले दो और आखिर दो पे भी चला सकते हो, सब इवन नंबर में ही है, पर मैंने ऐसा चालू कर दिया तो इसी से करता हूँ। cos C + cos D 2 × cos C + D/2 12 + 132, 144 का आता 72 तो मेरा फेवरेट बन गया, इंटू सब्ट्रैक्ट किया कोस, सब्ट्रैक्ट किया 120 का आता 60 डिग्री, ये भी फेवरेट है, प्लस इसमें लगाओ 156 + 84 कितना हो गया ये 240, तो ये हो गया cos 120, इजी, इनटू सब्ट्रैक्ट करो कितना बनेगा मेरे पास cos 84, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया मेरे पास 72, आधा किया तो हो गया 36। वैल्यू पुट करते हैं, ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगा cos 72 - cos 36, इजी, माइनस हाफ वैल्यू है प्लस हाफ वैल्यू है, 2 से 2 कटा वापस, 2 cos C - cos D 2 sin C + D/2 ऐड किया तो कितना हो गया मेरे पास ये, जो हो गया 108 का था 54, एंड sin D - C करो आगे माइनस लगा दो, ये हो जाएगा 18 डिग्री, और sin 54 होता है अपना cos 36। देखो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे एक्सप्रेशन बनते हैं पर अपने को वैल्यू याद नहीं होती उस टाइम पे, फर्स्ट ज़्यादा सवाल इनको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 18 के अपन ने याद की थी √5 - 1/4, और 18 36 का कॉम्बिनेशन चलता है, बस कोस वाले बीच में प्लस साइन वाले बीच में माइनस, तो रैशनलाइज किया तो ऊपर 4 हो गया, कटने के बाद सीधा आंसर दिख रहा है मेरे को -½। ईजी, आराम से कर पाए आप।
चलो एक और सवाल लेते हैं। कोस 36, कोस 72, कोस 108, कोस 144 की वैल्यू निकालनी मेरे को। वैसे देखो 36, 72 और 144 डबल हो रहा लगातार एंगल, तो मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे इसमें साइन वाला 36 डाल के डबल करवा सकता हूँ एंगल, पर अपन वैल्यू पुट करने की तरफ बढ़ते हैं। ये कोस 36, इसको लिखता हूँ साइन 18। ये भाई हो गया अपने कोस 90 प्लस माइनस साइन 18, सेकेंड क्वाड्रेंट है, चेंज होगा। पर ये 180 माइनस करोगे तो ये वापस प्लस, ये हो गया वापस मेरा कोस 36। तो ये बन गया अपना कोस स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 18, दोनों फेवरेट वैल्यूज़ हैं। ये बन गया रूट 5 प्लस 1 बाई 4, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 सारे का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 16 डायरेक्ट लिख दूँ। एक तो कट जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी करोगे तो 4 1 बाई 4 का होल स्क्वायर 1 बाई 16। ईजी, तो 1836 पे देख लिया। एक आध एग्जाम्पल हम दूसरी अपनी जो अजीब सी वैल्यू आई थी उसको भी देख लेते हैं। मेरे को प्रूव करना है कि 2 4 sin 27 डिग्री का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 5 प्लस रूट 5 रेज टू पावर हाफ माइनस 3 माइनस रूट 5 रेज टू पावर हाफ। अब देखो इसमें जो आंसर है वही अपने आप में हिंट है, उसको यूज़ करोगे तो आराम से आ जाएगा। अब 27 की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, पर डबल एंगल पे पता है 54 पे। तो क्यों ना इस क्वांटिटी को अपन स्क्वायर करके निकाल लें। मान लो ये एक्स है, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर के लिए। ये बन गया 16 sin² 54। 2 sin² थीटा होता अपने पास 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 27, तो डबल होके एंगल हो जाएगा 54, जो कि होता है sin 36। sin 36 क्या था, 10। साइन वाली सारी वैल्यूज के बीच माइनस है, ये याद रख सकते हो। तो ये बन गया मेरे पास 8 माइनस 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन अपने को प्रूव करनी है उसको देखो। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास 8 बन रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर 5 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा मेरे पास, 15 माइनस 5 10, 5 रूट 5 3 रूट 5, मतलब 10 माइनस 2 रूट 5। तो इस एक्सप्रेशन को देखोगे ना, उसी से हिंट लगता है कि 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, दोनों का सम 8 है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ही मेरे पास क्या है, 10 माइनस रूट 5। तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो जो शानदार बात हो गई। इसको अगर तुम एक्स देखो, इसको वाई देखो, तो रूट एक्स रूट वाई है, तो क्या बन गया ये, एक्स तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अल्फा ले लेता हूँ, ये बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल था, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 5 प्लस रूट 5 का अंडर रूट, बीटा 3 माइनस रूट 5 का अंडर रूट। तो इस प्रकार से हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देखी, सिंपल सवाल समझे, याद करने के लिए किया। ओके, कुछ सवाल लगाओ इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस लेक्चर की लास्ट कड़ी की तरफ। मल्टीपल एंगल सीख लिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी निकाल ली, अब कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूलोज को सॉल्व करने के लिए। तो एक पहला प्रॉब्लम दे रहा हूँ, cos 5x plus cos 4x/2 cos 3x-1। ये भाई साहब सुंदर होके बन जाएंगे cos α(x) + cos β(x). मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो ऊपर बन रहा है मेरे पास
कोस सी प्लस कोस डी, कोई दिक्कत? तो कम से कम ये तो करता हूँ, बन गया 2 कोस सी प्लस कोस डी, क्या होता है कोस सी प्लस डी बाई टू, 9x/2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू एक्स बाई टू। कोस के फॉर्मूले में कोस कोस आते हैं या साइन साइन, बीच में प्लस है तो कोस कोस, ईजी। अब अगला हिंट समझो कि मेरे को देखो ये क्या बन रहा है, 9x/2 और बॉटम का 3x, क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? कि जो 9x/2 है इस चीज का कितना है मेरे पास, 3x/2 का ये 3 टाइम्स है, तो 3x का को मैं कैसे खोल सकता हूँ, 3x/2 का 3 टाइम्स है ये, तो दिमाग लगाओ। मैं खोल सकता हूँ इसको डबल एंगल की हेल्प से, कोस 2 थीटा, क्या होता है 2 cos² थीटा, एंगल आधा कर दिया है -1, पीछे एक -1 चल ही रहा है। चलिए कुछ हद तक रिलीफ दिख रहा है कि सवाल आगे बढ़ सकता है, cos x/2 और बॉटम होगी मेरे पास 4² 3x/2, -2 -1 -3। अब जैसे मैंने 4 दिन का कॉम्बिनेशन देखा तो मेरे को क्लिक हो गया कि कोस थीटा का फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो बनाता हूँ। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए कोस थीटा से, नीचे 4 cos² -3 है, तो अगर मैं कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे बन जाएगा मेरे पास 4 cos³θ -3 cos θ, तो ये काफ़ी सुंदर पिक्चर हो जाती है यहाँ पर। कोस x/2 इंटू कोस 3x/2, बॉटम होगी मेरे पास क्या, 4 cos³3x/2 -3 cos³3x/2, 4 cos³θ -3 cos θ। अब ये जो हमने सुंदर सी चीज़ बनाई है, ये चीज़ बेसिकली क्या है अपनी, cos³θ, 3 मतलब ट्रिपल 9x/2, तो वही सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है, तो क्यों ना इसको उड़ा दिया जाए। अब पिक्चर सिर्फ कितनी बाकी है अपने पास, अब ज़्यादा नहीं बाकी है, cos³x/2 cos x/2, 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो, cos cos sin sin किस मात्र, cos के फॉर्मूले में आगे cos ही तो बीच में प्लस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है। 2 cos a cos b हो, cos a + b cos 2x प्लस cos a - b, 3/2 - ½ क्या होगा x, तो अल्फा आपका 2 हो गया, बीटा आपका 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया अपने पास 3। जानबूझ के मैंने आपसे सम ही पूछा ताकि आप उल्टा भी लिखो तो भी कोई दिक्कत ना पड़े, सम तो आगे पीछे कर ही सकते ना, क्योंकि तो इसको अल्फा लोगे किसको बीटा लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सम दोनों केस में 3 ही रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको मजा आया होगा करने में, भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज यूज़ किए इसके लिए, ठीक है। अब कुछ सीरीज वगैरह से रिलेटेड सवाल भी कर लिए जाए, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज देखने वाले हैं अपन, जो करने हो जाइए, कोस थीटा cos² θ cos² θ, एंगल डबल हो रहा है, cos² θ, चलते 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 कहाँ तक पहुँचे, 2^n-1θ, ठीक है, एंगल हर बार डबल हो रहा है, तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट ये आने वाला है sin² n θ / 2^n sin θ। अभी आया कैसे, अब देखो एंगल डबल हो रहे हैं पेयर अप होके, तो सीरीज में अगर कोस थीटा है, अगर इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, वापस दिखाऊं, इस सीरीज कोस थीटा cos² θ cos² θ एंड सो ऑन, cos² n-1θ, ठीक है, 2 की पावर्स में चल रही है, 2^0 से लेके 2^n-1, तो कहने का मतलब है कि n टर्म्स हैं प्रोडक्ट के अंदर, ओके। और हम कर क्या रहे हैं, कोस थीटा से साइन थीटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया पूरी सीरीज को। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पेयरिंग के लिए, एक बार 2 डाला ऊपर, ये हो गया अपने पास क्या, 2 sin θ cos θ sin² θ, एंगल डबल हो गया। अब ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे, एक और 2 डाल दो,
टू साइन टू थीटा कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास साइन फोर थीटा, फिर एक बार दो और डाल दो, टू साइन थीटा कोस फोर थीटा हो जाएगा मेरे पास साइन एट थीटा। अब देखो एंगल डबल होता जा रहा है, हर बार दो डालते जा रहे हो और एंगल डबल होता जा रहा है, और कितनी बार चलेगी ये पेयरिंग, एन टाइम्स, एन टर्म्स है तो ऑब्वियस सी बात है, जो टू 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 आप चला रहे हो ना, एन टाइम्स डाला है आपने, एक पेयर बनाने के लिए एक दुगना खर्च हुआ है, और हर बार एंगल डबल, और ये एंगल डबल हुआ मतलब टू टाइम्स हो गया, तो कहने का मतलब क्या बन गया, साइन टू रेस टू पावर एन, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी टू की, टू रेस टू पावर एन थीटा। तो ये बड़ी काम की सॉलिड चीज़ है, इसको हमें ध्यान से समझ लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इस पे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। देखिए वैल्यू निकालनी मेरे को किसकी, कोस टू पाई बाई 15, कोस 4π/15, कोस 8π/15 इंटू कोस 14π/15। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये सबको दिखाई दे रहा है, अगर इसको थीटा देखो तो ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, एंगल डबल हुआ है। सीधा अभी जो फॉर्मूला पड़ा उसको अप्लाई कर दूँ, साइन डबल कर दिया, एंगल बन गया मेरे पास 16π/15, 3 बार पेयरिंग हुई तो 2 रेज टू पावर 3, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा मैंने साइन 2π/15 से। ठीक है, अब खेल समझते हैं, 14π/15, 16π/15, तो क्यों ना इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16π/15 मतलब 1 प्लस 1/15, तो पाई प्लस पाई बाई 15 लिखा जा सकता है, 14/15, 1 माइनस पाई बाई 15, पाई माइनस पाई बाई 15 लिखा जा सकता है। सो साइन पाई प्लस थीटा बचपन से करते आए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, और पाई पे तोड़ा है तो कोई चेंज होगा नहीं, तो माइनस साइन पाई बाई 15, अगेन कोस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी नेगेटिव खुलेगा, और नो चेंज, पाई बाई 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऊपर देखिए ध्यान से, साइन थीटा कोस थीटा पेयरिंग शेयरिंग हो रही है, तो 2 रेज टू पावर 3 यहाँ तक तो समान बना ही हुआ है, तो क्यों ना एक और दो डाल दिया जाए ऊपर, और ये बन जाएगा 2 sin θ cos θ, माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं तो sin 2 θ, ये तो कमाल हो गया, एक्स बन गया sin 2π/15, कैंसिल कर कर आके वैल्यू निकल के आ गई सुंदर सी 1/15। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना अपने को आना चाहिए। ठीक है, एक और आसान कुछ प्रॉब्लम लेता हूँ इसके ऊपर, अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला तब तक। sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री एंड sin 78 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी मेरे को। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की तरफ हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मेरे को अगर इसको कोस में चेंज करूँ, तो देखो ये बन रहा है मेरे पास कोस 12, ये बन रहा है कोस 24, ये बन रहा है कोस 48, ये sin 6 अभी पड़ा रहने दो, 6 भी लूँगा तो 84 बनेगा, पर वो 48 का डबल तो नहीं है, तो यहाँ से देखो ये हो गया थीटा 2 थीटा, ओके ये हो गया 4 थीटा, डबल होते जा रहे हैं एंगल, तो वही सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्या बनेगा साइन डबल होके हो गया 96, ओके 3 बार प्रोसेस किया 2 रेज टू पावर 3, और नीचे आया मेरे पास sin 12, आगे देखो एक चल रहा है sin 6, 96, 90+6, और sin 90+θ क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है बट 90 से ब्रेक किया है तो चेंज हो जाएगा cos 6, अगेन कमाल का हो गया sin 12, ऊपर नीचे 2 दे दिया जाए तो भाई 2 sin θ cos θ sin 2θ 12 हो जाएगा, तो
तो ये पूरा सामान कैंसिल होके वैल्यू फाइनली क्या नजर आ रही है आपको, 1/16। इस सवाल में एक और कमाल की चीज देख सकते थे आप, क्या थीटा, ये क्या है मेरा 60 प्लस थीटा, ठीक है, और 60 माइनस थीटा क्या होता है 54। अगेन यहाँ पे देखो ये 42, ये क्या है 60 प्लस 18, 60 माइनस 18। तो अगर इसको मैं, हमारा जो फेवरेट फॉर्मूला था ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने सिखाया था जो आपको, उससे थोड़ा सा करने की कोशिश की जाए तो साइन 66 आगे पड़ा हुआ मेरे पास, थोड़ा गैप से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ समझ में आएगा आपको, 42 और ये साइन 78। तो जनता देख पा रहे हैं आप, 60 प्लस 6 ये है, 60 माइनस 18, 60 प्लस 18। तो अगर मैं 60 माइनस थीटा यहाँ चिपका दूँ, मतलब साइन 54, और साइन थीटा इसके लिए मतलब साइन 18, तो ये तो पेयरिंग हो गई, और प्लस अपने घर की तो दुकान नहीं है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे, साइन 54 साइन 18। तो देखिए थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, साइन थीटा बाई 4, मतलब साइन 18/4, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, साइन 3 थीटा, मतलब 18 का ट्रिपल 54/4, और नीचे सेम क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो ऐसे भी ये सवाल किया जा सकता था, कैंसिल कर देंगे आप तो खूबसूरती से नज़र आएगी अपने को 1/4 × 1/4 1/16। सो आई गेस आपको मज़ा आया होगा। अब इसी सीरीज़ को देखो, कई बार ऐसे भी लिखा होता है उल्टा रिवर्स में, cos थीटा बाई टू, cos थीटा बाई फोर, और चलते 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 θ/2⁻¹। तो इसका आंसर क्या दोगे? अब देखो पीछे की तरफ से एंगल डबल हो रहे हैं, ऑब्जर्व करो, अगर इसको अल्फा बोल दोगे तो ये पीछे से चल रहा है, ठीक है ना, इधर से देखो तो एंगल आधे हो रहे, तो पीछे से देखो तो डबल हो रहे हैं, तो अल्फा टू अल्फा कितने टर्म्स है मेरे पास, 2⁻¹। तो ये मेरा है 2⁻¹ अल्फा, है कि नहीं? तो फॉर्मूला तो वही है, बस थोड़ी देर के लिए अल्फा में लिख दो इसको, तो क्या बनेगा, साइन 2⁻ⁿ अल्फा डिवाइडेड बाई 2⁻ⁿ साइन अल्फा, और अल्फा दिख रहा है अपने को, ये चीज़ अपनी अल्फा, तो क्या हो गया साइन 2⁻ⁿ θ/2⁻¹ / 2⁻ⁿ साइन θ/2⁻¹। तो बात बन चुकी है, साइन 2 थीटा हो गया, लास्ट वाला एंगल का डबल, 2⁻ⁿ साइन θ/2⁻¹। और कभी कभार देखो ये क्या बहुत सुंदर बन जाता है, ये पाई माइनस थीटा और इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एन और थीटा को इस तरह से दिए होते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा का कॉम्बिनेशन बन के कैंसिल हो जाए और कॉन्स्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाती है आपको, ठीक है। तो आई होप के ये चीज़ समझ में आई होगी आपके, ईजी सा था, एक आध कोई चीज़ और बनाई जा सकती है इसमें, और मिसलेनियस क्वेश्चन सोचे हैं तो देखो ध्यान से, 2 + √2 + √2 + 2 cos 8 थीटा, ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या नजर आएगा, 1 + cos 8 थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिखता था 2 cos² थीटा, और सबसे कॉमन फॉर्म है अपनी वो 2 cos² थीटा, इजी। तो यही चीज़ क्या बनेगी मेरे पास, 2 cos² एंगल आता होके मिलेगा 4 थीटा, 2 × 2 = 4, और ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा अगले अंडर रूट के लिए, 2 cos 4 थीटा। देख लो एक अंडर रूट से बाहर निकले, अंदर एंगल आधा हो गया, सेम स्टोरी 1 + cos 4 थीटा
ये बन जाएगा सेम स्टोरी, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, लास्ट में रूट से बाहर निकला क्या बन गया, टू प्लस टू कॉस टू थीटा, अगेन बाहर निकला वन प्लस कोस टू थीटा, जिसको आपने लिख दिया टू कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लेने के बाद ये सारी चीज़ दिखेगी मेरे को टू कोस थीटा। मतलब इस पैटर्न में देखा जाए तो एक अंडर रूट से हट के एंगल आधा होता जा रहा है ना, एंगल क्या हो रहा है आपके पास आधा होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला टू कोस टू कोस थीटा। इसको जनरलाइज करूँ तो मान लो ये स्क्वायर रूट चल रहे इसी पैटर्न में, टू प्लस टू प्लस टू प्लस डॉट 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 अंडर रूट टू प्लस टू कोस टू रेज टू पावर एन थीटा, एन स्क्वायर रूट्स हैं तो आपको पता है एक स्क्वायर रूट से निकलने के बाद एंगल क्या हो जाता है अपने पास आधा, ठीक है। तो टू रेस्ट पावर एन है, एन ब्रैकेट्स, तो आधा 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 होते क्या होगा, फाइनली मेरे को आंसर मिलेगा टू कोस, ओरिजिनल एंगल ये था, डिवाइडेड बाई आधा आधा करते हुए हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास कोस थीटा, इजी। और अगर ये थीटा ही होता तो फिर क्या लिखते आप, अगर मैं इसी पैटर्न में लिख रहा हूँ टू प्लस ऊपर वाला, देखो तीन में अगर समझ में आया तो ये चीज़ भी वैसे ही चलेगी, उसी पैटर्न में चलेगी, हर बार एंगल आधा हो रहा है तो वैसे आपको इसी तरह से दिखाई देगा, टू प्लस अंडर रूट टू प्लस 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 अंडर रूट टू प्लस टू कोस थीटा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपन टू लिखेंगे हर बार एंगल आधा हुआ है, एन स्क्वायर रूट्स हैं तो कितनी बार चला होगा ये टू रेज टू पावर एन, ठीक है। तो जैसे आप मल्टीपल एंगल में करते हो वैसे ही सब मल्टीपल में एंगल में होता है, उसका कोई अलग से नहीं है, बस इतना सोच रहे एंगल आधा हो रहा है, अब चार है तो दो हो जाएगा, थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाएगा, उसमें क्या है, इजी आसान सवाल है। तो एक छोटी चीज़ हम और देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट सीरीज काम की चीज़ है, एक पैटर्न है, सवाल है, देखो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ होती है मेरे पास टू कोट टू थीटा के इक्वल, ठीक है, याद रख सकते हो आप, इसको काम का है, सीरीज वगैरह करने में काम आएगा। अब इसको प्रूव कर देता हूँ, पहले तो इसको मैंने किया वन अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, अगर मैं ऊपर नीचे दो लगा दूँ तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये मैंने टेन टू थीटा का फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है, जो पलटने के बाद क्या दिखेगा मेरे को टू कोट टू थीटा, ठीक है। तो ये अपने को याद हो गया, तो इस पर एक सीरीज कर रहा हूँ मैं, अपने को मिसलेनियस क्वेश्चन आप सीरीज करते हैं, सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाते हैं और एग्जाम्स में काफ़ी रिपीट भी होती हैं। तो अपने पास बच्चों एक सलाइस है कि एक्स है जिसका वैल्यू मेरे को पता करना है, और वो क्या है टेन थीटा, ये सीरीज है टू टेन टू थीटा फोर टेन फोर थीटा, देखो डबल हो रहा है, लास्ट में क्या हो जाएगा टू रेज टू पावर एन माइनस वन टेन टू रेज टू पावर एन माइनस वन थीटा, वन टू फोर इस तरह से चल रहा है, रैंड टर्म्स है, इसका सम निकालना है। अब हिंट देखो ऊपर की तरफ से ये है, अब बस दिक्कत ये कि वो माइनस में टेन था, एंगल डबल हो रहा है, सेम पैटर्न बनता है, पर यहाँ पे सब प्लस में दिए हुए हैं, तो क्यों ना इस सीरीज को मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड कोट थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये कोट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन फोर थीटा, और इस तरह से चलती रहेगी। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने कोट थीटा माइनस टेन थीटा टू कोट टू थीटा माइनस टू टेन टू थीटा, ठीक है, दो कॉमन खींच लो, सेम पैटर्न कोट ए माइनस टेन ए क्या बनेगा टू टू जा फोर हो जाएगा, और कोट में ये एंगल मेरे को बड़ा होकर दिखाई देगा, इसकी पेयरिंग होगी इसके साथ, तो दिख रहा है आपको एंगल डबल हो रहा है, सेम पैटर्न कोट में दिखता जा रहा है मेरे को,
यहाँ से फिर क्या बनेगा मेरे पास, एट कोट एट थीटा। तो सेम यहाँ पे अगर पहुँचोगे तो डबल होके सीन क्या दिखेगा, ये टू रेज टू पावर एन कोट टू रेज टू पावर एन थीटा। ये किसका वैल्यू आया, कोट थीटा माइनस एक्स का। देख सकते हो कि एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है, कोट थीटा माइनस टू रेज टू पावर एन कोट टू रेज टू पावर एन थीटा। इजी। तो इस तरह की सीरीज करना आना चाहिए, करना भी है अपने को। ओके, चलिए एक और खास चीज़ पे काम किया जाए, एक सवाल के थ्रू देखते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी फॉर्मूले बताए हुए हैं तो रिवाइज भी कर पाओगे। ए मेरा 278 डिग्री है, तो मेरे को पता करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 साइन ए, 1 प्लस साइन 2 ए प्लस 1 माइनस साइन 2 ए क्या होगा। ठीक है, याद करो क्या लिखते हैं इसको, 2 साइन ए कोस ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये अंदर की चीज़ बन गई हमारे पास, कोस स्क्वायर ए कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी नज़र आ रहा है, सीधी सीधी आइडेंटिटी बन रही है, कोस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और पीछे सेम पैटर्न ए माइनस बी होल स्क्वायर की बन रही मेरे पास, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। वो अंडर रूट सीधा ड्रॉप मत करते, मेरे को पता करना पड़ेगा अंडर की क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है मैं मोड लगा के लिखता हूँ, और मोड हटाने के लिए मेरे को जानना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये बन गया कोस ए प्लस साइन ए का मोड प्लस कोस ए माइनस साइन ए का मोड। तो जनता वैल्यू पुट करी जाए, ए बेसिकली वे मेरे पास क्या है, 270 प्लस 8, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, और 270 से तोड़ रहे तो चेंज करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन्स आ रहे हो। तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और चेंज करके हो गया साइन ए, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव है, कोस ए प्लस कोस पॉजिटिव ही हो जाएगा साइन ए, सॉरी ए लिख रहा हूँ मैं, 8 डिग्री लिखना है, मेरे को ब्रेक कर दिया अब तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 8 डिग्री कोस 8 डिग्री, मोड है अभी बरकरार, साइन 8 डिग्री अरे माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास, कोस 8 डिग्री। एक्यूट एंगल है तो पीछे के मोड को तो कोई लोड नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी है, सीधे ड्रॉप कर देता हूँ। और देखो कौन बड़ा होता है कोस 8 डिग्री और साइन 8 डिग्री में, सबको पता है 45 तक कोस की वैल्यू बड़ी रहती है, उसके बाद साइन की, बिकॉज कोस की वैल्यू ड्रॉप होती है और साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो 45 दोनों बराबर होते हैं। तो 45 से पहले साइन छोटा है, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो उल्टा खोलना पड़ेगा मेरे को, कोस 8 माइनस साइन 8, तो कैंसिल होके बचा क्या मेरे पास, 2 कोस 8 डिग्री। अब देखो आंसर मेरे को एक अंदर ही देना है, एंगल एक अंदर ही देना है, एंगल ही मेरा ये था 278 प्लस 270 प्लस 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस 270, ए 278 है ठीक है ना, और ये लिखा जा सकता है 270 माइनस ए, कोस माइनस थीटा कोस थीटा सेम ही बात होती है तो फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, और 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते रहे अपन, तो माइनस लगेगा और चेंज होके सीन हो जाएगा साइन। तो ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेता हूँ और उसी के साथ ये अपन लेक्चर समाप्त करेंगे, और बहुत सारी सीरीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगले लेक्चर में समझने वाले हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ाया आपको, जो भी लेक्चर्स आपने देखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस लगा लो, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने में। तो इस सवाल को करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज किया जाता है अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो ध्यान से देखना है। 1 माइनस कोस एक्स, प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है वो बनेगी मेरे पास कोट एक्स बाई टू प्लस
पाई बाई फोर। तो दो तरीके हैं मेरे पास जब भी ऐसे अंडर रूट वाली चीज़ें देखता हूँ, या तो तुम रैशनलाइज कर लो या फिर इस चीज़ का यूज़ कर लो, वन प्लस कोस तो थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस तो थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले चलो इसी का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ओरली दिखाई दे रही है तो मैं सोच सकता हूँ, और साथ ही इस क्वेश्चन में मेरे को एक्स की रेंज दी हुई है, एक्स मेरा कहाँ पे है, पाई से टू पाई के बीच में। अब इस ये क्यों दी हुई, क्योंकि आप मोड बनाने वाले हो यहाँ पे। अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू आधा हो जाएगा एंगल, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टू तो सब से उड़ाओ और स्क्वायर हटा दो अंडर रूट से, और मोड लगा के कर सकते हैं अपन, कोस एक्स बाई टू प्लस मोड साइन एक्स बाई टू। समझ पा रहे हैं आप क्या किया मैंने, इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। रूट टू सब जगह से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट हटाओगे तो मोड लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना। कोस एक्स बाई टू माइनस मोड साइन एक्स बाई टू। अभी मोड कैसे हटेगा पता करना पड़ेगा, अंदर ही क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव। एक्स दिख रहा है अपना कहाँ पे, पाई से टू पाई, तो एक्स बाई टू किधर नजर आएगा, पाई बाई टू से पाई के बीच, मतलब ये हो गया अपना सेकेंड क्वाड्रेंट। कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो जनता ये हो गया मेरे पास माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बॉटम, माइनस कोस एक्स बाई टू और साइन का मोड ऐसे चीज खुल जाएगा। तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया जाए तो क्या बनता है, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बॉटम। ये फेवरेट फॉर्म बन रही है, डेरिवेशन किया है काफ़ी बार आपने टेन वगैरह का। तो कोस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो बन गया मेरे पास वन माइनस टेन एक्स बाई टू, वन प्लस टेन एक्स बाई टू। फॉर्मूला बन गया अपने पास ही किसका, ये फॉर्मूला बन गया टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का। पर अपना आंसर तो कोर्ट में था तो चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, पाई बाई टू माइनस थीटा कर देता हूँ। तो देख रहे हो ये जो माइनस का एक्स बाई टू है प्लस का हो जाएगा, और पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर की आर एच एस आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स को कैसे डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आप, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और हम लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम सारे फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, मिसलेनियस सीरीज भी देखेंगे। तो वो करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। सो कीजिए क्वेश्चंस, ऑल द बेस्ट।